युवा कल्याण विभाग की ओर से पौड़ी मुख्यालय स्थित संस्कृति विभाग में जनपद स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने किया। इस दौरान जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी रविंद्र कुमार सिंह ने हमसे बात की। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से पहाड़ की संस्कृति को बचाया जा सकता है। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। तो जो ये हमारा युवा कल्याण विभाग इस चीज को आगे हमारी नई पीढ़ी को जो ये दिखाना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर हमारे महिलाएं हर पर उसमें आगे दिख रही है, बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। मैं सभी महिलाओं को यहाँ पर बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। युवा कल्याण विगत कई सालों से युवा महोत्सव कराता आया है और युवा महोत्सव में इस बार थोड़ा नई गाइडलाइंस के साथ हमारी टीमें राज्य स्तर में जाएगी और राज्य स्तर के बाद नेशनल स्तर पर जाएगी। इसमें लोकगीत, लोक नृत्य और एकांकी की प्रस्तुति यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा इस बार वर्ष एकल लोकगीत, एकल लोक नृत्य, शास्त्रीय गायन के अलावा बहुत सारी जो व्यक्तिगत इवेंट्स हैं वो की जानी है और इसके तुरंत पश्चात हम वो प्रतियोगिताएं भी यहाँ पर संपन्न कराएंगे। आज जो प्रतियोगिताएं यहाँ पर संपन्न की जा रही है उसमें लोक नृत्य में प्रत्येक विकासखंड की टीमों ने भाग लिया है और इसके अलावा लोक नृत्य और एकांकी में ये टीमें भाग ले रही है। जो आने जो जो प्रत्येक विकासखंड की समस्त टीमें हैं, मेरा अनुरोध है कि वो अपना नाम राज्य में भी ऊँचा रखें